हाय गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरा फ़ोन है और यह वॉइस ओवर हो रहा है। वॉट एवर, सो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि भाई आज हम बात करने वाले भाई पीसी बिल्ड क्यों करना चाहिए और काहे करना चाहिए। सो पीसी बिल्ड करना एक मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर हम खुद का पीसी बनाए तो क्या फ़ायदा होता है, जानते हैं इस वीडियो में। तो क्या फ़ायदा होता है, लेट्स नो। मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि आप ज़रूर देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री बिल्ड्स आर अवेलेबल, ठीक है। प्री बिल्ड तो आप अवेलेबल है, बहुत टाइप के प्री बिल्ड है यार, मतलब जैसे दुकान वाले प्री बिल्ड हो गए, ब्रांड वाले प्री बिल्ड हो गए और वेबसाइट वाले प्री बिल्ड, तो भाई हर किसी के पास फेमस है। वेबसाइट वाला प्री बिल्ड भी बहुत पास है, लेकिन ब्रांड वाला भाई मुझे नहीं लगता अच्छा होता है, बिकॉज उसमें आपको मोटर पावर सप्लाई मिलती है, मतलब नॉन, मतलब घटिया चीज़ें मिलती है। मतलब हार्डवेयर आपको पावरफुल मिलेगा, लेकिन उसको जो कंट्रोल कर रही होगी चीज़, जैसे मदरबोर्ड हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, ये सब बहुत सी फालतू हार्डवेयर लगाते हैं बहुत से ब्रांड। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, बट बोल रहा हूँ ऐसे कि ऐसा होता है। सो दुकान वाले प्री बिल्ड तो भाई फिर भी ठीक है कि भाई आप अपने कस्टम हिसाब से बना रहे हो, वो तो फिर भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप कस्टम पीसी बनाते हो तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो है पैसा, और दूसरा होता है कि भाई पहले पैसे को ही कवर कर लेते हैं। देखो भाई, आप कितना भी सस्ता प्री बिल्ड दे रहे हो, आप कस्टम पीसी हमेशा आपसे क्या बोलते हैं वो सस्ता ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज कस्टम पीसीज में आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करो कि भाई हाँ मेरा भी दुकानदार का फ़ायदा हो गया, मैंने जिसको ऐड रखा है उसका भी फ़ायदा हो गया, ये सब ऐड करना भी पड़ता है, ठीक है। सो इन सब के हिसाब से ऐसे प्री बिल्ट ऐसे महंगे हो जाते हैं। और ये सस्ते कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। आप ले रहे हो आप एक, ठीक है, मतलब कोई भी प्रोसेसर ले रहे हो आप एक, लेकिन वो दुकानदार तो थोड़ी ना एक एक ले रहा है, वो तो भाई हज़ार हज़ारों में ले रहा होगा, तो भाई इस हिसाब से उसको थोड़ा सा कम मिलता है, मतलब क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा सा कम पे करना पड़ता है, तो उसके लिए सस्ता हो गया। तो दूसरा जो पॉइंट है कि भाई बहुत सी चीज़ें आती हैं, तीसरा है कि भाई यूज़ और परफॉर्मेंस, तीसरा नहीं दूसरा होगा, हाँ दूसरा है यूज़ और परफॉर्मेंस। अगर आप लोगों को यूज़ करना है कि भाई एडिटिंग करना, ठीक है, और ब्रांड आपको दे रहा है कि भाई ये लो, आपको आपको गेमिंग करना है इस पर, डेडिकेटेड गेमिंग करना, मतलब आपको 2080 Ti के साथ i3 चिप का दिया, मतलब होगी क्या क्या खास एडिटिंग होगी उससे, आपको चाहिए था i7 और 1650 सुपर, ब्रांड ने पकड़ा दिया 2080 Ti और i3, मतलब मजाक हो रहा है क्या। यूज़ इसीलिए बोलता हूँ कि भाई कस्टम पीसीज में आपको यूज़ और परफॉर्मेंस आप खुद से देख सकते हो कि भाई क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ होता है शो ऑफ करना कि भाई देखो ये इकलौता सिर्फ मेरे पास है और मेरे भाई ब्रदर किसी के पास भी ये नहीं है, ये मतलब एग्जैक्टली सेम होगा, मतलब ना CPU बदला, ना RAM बदला, ना मदरबोर्ड बदला, एग्जैक्टली सेम हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आपके जानने वालों में से तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ दूसरे लोगों के पॉसिबल है, क्योंकि बहुत लोग प्री बिल्ड में तो ऐसा ही होता है कि एक है तो रहेगा। और तीसरी चीज़ है कि भाई एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, जैसे आप पैशनेट हो जाते हो, जैसे भाई आप प्रोसेसर्स के लिए रिसर्च करते हो, लैपटॉप के लिए, लैपटॉप कहाँ से आ गया लॉल, तो भाई ग्राफिक कार्ड के लिए रिसर्च करते हो, मदरबोर्ड, बहुत सी चीज़ें तो आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये भी आ गया कि भाई आपको क्या बोलते हो, आपको कस्टम चीज़ें मिल गई है सब, ठीक है। पांचवा और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, फिर भी मैं बात करूँगा, जो कि है फाउंड पैशन। यस, बहुत लोगों ने पैशन मिल गया कि भाई यस ये मैं सीख रहा हूँ कि बिकॉज मुझे इसमें गेम्स खेलने, कोई था गेमर लेकिन कोई एक पीसी बिल्ड का वीडियो देख के वो बन गया पीसी बिल्डर, मतलब उसको एक अपना पैशन मिल गया और साथ में भाई वो
चीटापना क्यों नहीं दिखाएगा कि भाई देखो भाई मुझे आता है तुम्हें नहीं आता है भाई साहब, मतलब चीटापना भी दिखाना आना चाहिए ना यार। इसलिए और भी बहुत से पॉइंट्स है, बट ये सब मेन है जो कि होने चाहिए। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और मैंने इतने टाइम से वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किया बिकॉज मैं बीमार था, मेरे मम्मी पापा भी बीमार थे, सो इसलिए। और मैं कोई बहाना नहीं मारा, सही में मैं बीमार था और मेरे मम्मी पापा बीमार थे, और मैं अकेला हूँ इसलिए मैं क्या बोलते वीडियो को टाइम नहीं दे पाया। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो टिल देन ऑन ऑल द बाय बाय बॉयज़।